इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये हम कैसे फाइंड आउट करें कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी एक्टिविटी हमारी इन्वेस्टिंग है और कौन सी एक्टिविटी हमारी फाइनेंसिंग है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के बिहाफ पर ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर हमको रेडी कैसे करना है, कौन सी आइटम हमको यहां लिखनी है, कौन सी इन्वेस्टिंग माननी है और कौन सी आइटम को हमें फाइनेंसिंग मानना है। मान लीजिए आपका बिजनेस है मोबाइल का। अब मोबाइल के बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो, स्पेशली मोबाइल को लेकर, तो वो सारी एक्टिविटीज आप कहां पे कंसीडर करते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर में कंसीडर करते हो। फॉर एग्जांपल, मोबाइल को परचेज करना, मोबाइल को सेल करना, मोबाइल की वजह से आपने जो इंप्लॉइज रखे हुए हैं उन इंप्लॉइज को आप सैलरी देते हो, उन इंप्लॉइज को आप वेजेस पे करते हो, मोबाइल के बिजनेस की वजह से ही आपको अपना फैक्ट्री का या दुकान का किराया पे करना है, मान लो रेंट, तो वो भी आपको कहां पे कंसीडर करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर में ही कंसीडर करना है। मोबाइल के बिजनेस की वजह से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो भी आपको कहां लिखना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर में ही लिखना है। क्योंकि जिस बेसिक प्रोडक्ट में हम बिजनेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होती हैं, जो भी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज हम क्या मानते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मान लीजिए मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक मशीनरी लगाई है या आपने कोई नया प्लांट इंस्टॉल किया है। मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मान लीजिए आपने कोई मशीन लगाई या हमने कोई प्लांट लगाया। अब आप ये सोचकर देखिए, ये जो हमने मशीन लगाई है, क्या ये मशीन हमने सेल करने के लिए लगाई है? नहीं, ये मशीन हम बहुत लंबे समय तक यूज करने वाले हैं। अब इस मशीन के अंदर या इस प्लांट के अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसीलिए हम इन एक्टिविटीज को क्या कंसीडर करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब जब जब आप फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो या फिक्स एसेट्स को सेल करते हो, तो ये एक्टिविटीज हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर में ही आती हैं। इसी तरह से जब हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं, तो ये एक्टिविटीज भी हम किसमें काउंट करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही काउंट करते हैं। क्योंकि दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है? मोबाइल को लेकर, मोबाइल से रिलेटेड रेगुलर रूटीन में होने वाली एक्टिविटीज को तो हमने ऑपरेटिंग में लिख दिया, पर मोबाइल के बिजनेस की वजह से अगर हमको मशीनरी में पैसा लगाना है, प्लांट में पैसा लगाना है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने हैं, तो वहां पर जो आप इन्वेस्टिंग का काम कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हो, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आने वाला है। बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब जब पैसा आएगा तो आपको प्लस करना होता है, जब जब पैसा जाएगा आपको माइनस करना होता है। अब मान लीजिए आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? फाइनेंस का अरेंजमेंट करोगे, पैसे का अरेंजमेंट करोगे। तो जब जब आप फाइनेंस को लेकर एक्टिविटीज करते हो, तो वो बन जाती हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने शेयर्स इशू कर दिए या डिबेंचर्स इशू कर दिए या मैंने बॉन्ड्स इशू कर दिए या मान लो मैंने कहीं से लोन ले लिया, वो लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हो सकती है। तो जब जब आप पैसे के अरेंजमेंट के लिए काम कर रहे हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, तो ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही काउंट होते हैं। या मान लीजिए आपने अपने इक्विटी शेयर वापिस खरीद लिए या आपने डिबेंचर्स जो इशू किए हुए थे उन लोगों को पैसा वापिस कर दिया या आपने लोन का पैसा पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे को लौटा दिया, तो ये सारी एक्टिविटीज कहां पर आ गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गई। मतलब जब जब आप पैसे का अरेंजमेंट करते हो और उस पैसे की पेमेंट करते हो, तो ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर होती है। तो इस कंप्लीट टॉपिक को मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं कि जिस मेन प्रोडक्ट के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं उस मेन प्रोडक्ट को लेकर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आती हैं। पर जब जब हम फिक्स एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं, मैंने क्या किया है? वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हम उसको
क्या लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो या डिबेंचर्स खरीदते हो तो वो सामने वाली कंपनी हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करती है। ये इंटरेस्ट या डिविडेंड दूसरी कंपनी हमको क्यों पे कर रही है, क्योंकि हमने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसीलिए इन शेयर्स या डिबेंचर्स के ऊपर मिलने वाला डिविडेंड या इंटरेस्ट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इसलिए हम इन आइटम्स को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही कंसिडर करते हैं। अब आप ये देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आपने क्या किया, लोगों से पैसा अरेंज किया, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, लोगों से आपने पैसा उधार लिया, लोगों से आपने लोन लिया। अब हमारी बारी है, हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, हमको डिविडेंड पे करना होगा। मतलब इस चैनल के थ्रू जब हमारे पास पैसा आता है और उस पैसे के ऊपर जब हमको इंटरेस्ट पे करना होता है, जब हमको डिविडेंड पे करना होता है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम काउंट करते हैं। ये दोनों बातें मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों बातें गोल गोल हो जाती हैं और क्वेश्चन हम गलत भी कर देते हैं। जब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको मिलेगा वही इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर अगर हमने लोगों से पैसा लिया हुआ है और उसके ऊपर अगर हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काउंट होता है। तो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी इन सारी आइटम्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट।